हेलो गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार, उसका ये पार्ट 3 है फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था शैलेश मटियानी जी के बारे में और गौरापंत शिवानी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, काफ़ी फेमस ये पर्सनैलिटी है, आप इसको जानते होंगे, राइटिंग के क्षेत्र में हो या फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। इनका नाम है मनोहर श्याम जोशी, जिनका धारावाहिक हम लोग दूरदर्शन पे काफ़ी फेमस हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं रही, उपन्यास रहे, और साथ साथ इनका जो छोटे पर्दे पे इनका सहयोग रहा धारावाहिकों के लिए, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी चीज़ आज कवर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिसमें आप जान पाएंगे कि इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो UK SSSC का एग्ज़ाम हो या UK PCS की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 3। इसमें बात करेंगे मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, मनोहर श्याम जोशी एक काफ़ी प्रतिभावान व्यक्ति थे अपने समय के। ठीक है, इनका पूरा नाम मनोहर श्याम जोशी है। जन्म इनका हुआ था 9 अगस्त 1933 को, और बेसिकली इनका नेटिव प्लेस था, बर्थ प्लेस बोल सकते हैं, अजमेर, राजस्थान। इनकी जो मुख्य रचनाएँ हैं, क्याप, कसब, नेताजी कहिन, कुरुकुरु स्वाहा, और उपन्यास में हम लोग बुनियाद, जो इसके धारावाहिक हैं इनके, ये सभी चीज़ें अभी ध्यान से नीचे देखेंगे हम। अब ये संक्षिप्त परिचय इनके बारे में। भाषा इन्होंने बेसिकली चूज की हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा पे इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी, और इनकी मोस्टली जो रचनाएं थी वो हिंदी भाषा से जुड़ी हुई थी। ठीक है, और विद्यालय जो था इनका अल्मा मेटर की मैं बात करूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने कम्प्लीट किया अपनी एजुकेशन को, और जो इनको पुरस्कार मिले सन 2005 में, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला क्याप रचना के लिए। ठीक है, और उसके साथ मैं बात करूँ 1993 और 1994 में इन्हें राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान मिला, जो कि साहित्य के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। ठीक है, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मनोहर श्याम जोशी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, जनवादी विचारक, फिल्म पटकथा लेखक, उच्च कोटि के संपादक, कुशल प्रवक्ता तथा स्तंभ लेखक थे। तो कुल मिला के सिंगल पर्सनैलिटी ऑफ मल्टी टैलेंट, तो आप बोल सकते हैं ये लाइन इनके लिए, ठीक है, काफ़ी एक हिसाब से बोलते हैं ना, जो हम वर्ड अमूमन यूज करते हैं, ये हिंदी साहित्य के ऑलराउंडर थे। ठीक है, सभी क्षेत्रों में इनका विशिष्ट सहयोग रहा और विशिष्ट योगदान रहा, जो हम देख पा रहे हैं आज की डेट में भी। तो सबसे पहले बात करेंगे जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे रचनाएं पूछ लेता है उसमें, तो इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं मनोहर श्याम जोशी के, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कसब, नेताजी कहिन, कुरुकुरु स्वाहा, कौन हूँ मैं, क्या हाल है चीन के, उस देश का यारो क्या कहना, बातों बातों में। ठीक है, इसके बाद मंदिर घाट की पौड़ियाँ, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, टाटा प्रोफेसर, क्याप, जिसके लिए अभी साहित्य अकादमी इनको अवार्ड मिला 2005 का, क्याप थी वो रचना। ठीक है, और हमजाद, तो ये हैं इनके महत्वपूर्ण उपन्यास, और जिसमें क्याप के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है UK SSSC के एग्जाम में कि मनोहर श्याम जोशी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं बात करूँ जो अन्य कृतियाँ हैं इनकी, धारावाहिक की मैं बात करूँ तो धारावाहिकों में इन्होंने काफ़ी पटकथाएँ लिखी, जिसमें सबसे फेमस था हम लोग। ये दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ, 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी हम लोग, और काफ़ी एग्जामों में पूछा गया, प्रीवियस एक एग्जाम हुआ था UK SSSC का, वहाँ पे भी पूछा गया था कि प्रसिद्ध दूरदर्शन धारावाहिक हम लोग किसने लिखा था। ठीक है, बुनियाद, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये वो धारावाहिक था जिसने घर घर में दूरदर्शन की पहचान बनाई थी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आज भी जो 80s 90s के लोग हैं, उनसे अगर हम अब डिस्कस करेंगे इस बारे में, तो वो अच्छे से आपको बता सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये उस समय का एक सीरियल था। हमराही, जमीन आसमान तथा गाथा, ये इनके महत्वपूर्ण धारावाहिक हैं जो इन्होंने लिखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अब बात करते हैं, इनका निधन हुआ फ्रेंड्स 30 मार्च 2006 को। ठीक है, और काफ़ी प्रतिभा के धनी थे, ऐसा मैंने आपको बताया वीडियो में, और 30 मार्च 2006 को इनका निधन हो गया। और अपने संक्षिप्त जो एक हिसाब से उतनी लॉन्ग एज तो नहीं बोल सकता हूँ, 1933 से 70 साल के लगभग जो करियर था इनका 70 साल का, उसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें दी। ठीक है, वो टेलीविज़न के क्षेत्र में हो, वो संपादन के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, या अन्य किसी भी क्षेत्रों में हो, विशिष्ट इनका योगदान रहा, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
नेक्स्ट जो आएगा पार्ट उसमें चलाएंगे फिर से कोई अदर जो साहित्यकार है उत्तराखंड का फेमस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी रचनाओं के बारे में। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।